Hello, smart learners. Your mentor Aparajita is here with your social studies book, Jelly Bean Journeys in Social Studies, Class 4th by Brain Root Series. And children, we'll do chapter number 5 today. क्या है ये चैप्टर? द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. आज हम पढ़ेंगे इंडिया के क्लाइमेट के बारे में. किस किस तरह का क्लाइमेट कौन कौन से रीजन्स में होते हैं. सी सम इन सब्सटेंस वेदर एंड क्लाइमेट देन फैक्टर्स इफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि इंडिया के क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है. सीजन्स, कौन कौन से सीजन्स हैं. समर, मानसून, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग. फाइन. Now retrieve something to find out. Find out what the weather is like today in India and present the information in the style of a weather app such as shown in the given picture of a mobile. Mobile mein aap logon ne dekha hoga, everybody knows this, that there is a weather app. Ek weather app hai usme, to jab aap us pe click karte hain aur koi bhi country ka jagah ka naam dalte hain to wahan ka weather आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे वेदर कैसा है. ऐसा ही होता है ना. सो यू हैव टू फाइंड द वेदर दैट टुडे व्हाट इज द वेदर ऑफ इंडिया एंड देन यू कैन राइट डाउन. सो डू इट नाउ. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर हियर. वेदर. वेदर इज द डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर अराउंड अस. अब डेली देखिए, हर दिन वेदर एक जैसा तो नहीं रहता है ना. तो डे टू डे जो चेंज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में उसे कहा जाता है वेदर. द वेदर ऑफ अ प्लेस में चेंज कंटिन्यूसली. जैसा मैंने बताया, रोज कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं वेदर में. वेदर में इवन चेंज विद इन अ फ्यू आवर्स इन अ डे, या पूरे दिन में भी कुछ घंटों बाद ही वेदर चेंज हो सकता है. ओके. दस द वेदर टेल्स अस अबाउट द कंडीशंस ऑफ sunshine, rain, wind, snow and temperature of a particular place at a certain time. तो ये वेदर क्या बताता है हमें कि सनशाइन कैसा है, बहुत तेज है, धूप बहुत तेज निकली हुई है या कम धूप है, या बारिश आने वाली है या विंड ब्लो होने वाला है. एंड इट टेल्स द टेम्परेचर ऑल्सो ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. नाउ वेदर मीन्स टेम्परेचर. टेम्परेचर में हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है टेम्परेचर. देन इन वेदर देर इज रेनफॉल ऑल्सो. अब रेन हैवी है या लाइट है. एंड द विंड, इट इज विंडी और ब्रीजी या नो विंड. फाइन. नाउ वी कम टू द क्लाइमेट. व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट टेल्स अस अबाउट द रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. अब एक पर्टिकुलर प्लेस का जो रेगुलर पैटर्न है, डेली का जो पैटर्न है वेदर कंडीशन का, उसे कहते हैं क्लाइमेट. ओके. द क्लाइमेट ऑफ हिमालयाज इज कोल्ड, द डेजर्ट इज हॉट. ओके. वेदर नहीं है, वेदर अलग है, क्लाइमेट अलग है. अब हिमालयाज का क्लाइमेट कैसा रहता है? वहाँ ठंड रहती है और जो रेगिस्तान में गर्म होता है. As India is a big country, it has a wide range of landforms like mountains, plateaus and plains. अब India एक बहुत बड़ी country है, उसके landforms भी बहुत wide range के हैं. तो वहाँ पे landforms कौन कौन से हैं? Mountains, plateaus, plains. These affect the climate in various parts of the country. और यही चीज़ जो है वो affect करती है climate पे अलग अलग parts में country के. In some places the climate is very hot while at others it is very cold. Kahin to bahut zyada garm hota hai, kahin thand hoti hai. Some places get heavy rainfall while some other places get less rainfall. Many things depend on the climate. Bahut sari cheeze depend karti hain climate pe. For example, the clothes we wear, the food we eat, the lifestyle we live. ये सब क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम खाना भी खाते हैं और हमारा लाइफस्टाइल भी उसी के अकॉर्डिंग होता है. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. इंडिया के क्लाइमेट पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? इंडिया हैज द ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट. कैसा क्लाइमेट है इंडिया का? ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट. Different factors have given India its unique climate. और इसके factors क्या क्या हैं? Location, temperature,
distance from the equator, rainfall, direction of wind blowing in the region. These are some of the factors which affect the climate of India. Now, interpretation, the heaviest ever rainfall recorded in a year was Marsinram, Meghalaya in India. Marsinram mein, jo Meghalaya mein hai, वहाँ पे हैवीएस्ट रेनफॉल एक साल में रिकॉर्ड किया गया था. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द पीपल. अब किसी जगह का जो क्लाइमेट होता है वो लोगों की लाइफ पे भी इफेक्ट डालता है. इट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ क्लोथ्स दे वेयर, द काइंड ऑफ फूड दे ईट एंड द टाइप ऑफ क्रॉप्स दैट कैन बी ग्रोन इन द एरिया. ये सभी चीज़ें क्लाइमेट पे डिपेंड करती हैं. नाउ कम्स द सीजन्स. A season is a time of the year when we experience a particular type of weather most of the time. Season क्या होता है? एक वो time होता है, साल में एक ऐसा time आता है जबकि हम कैसा experience करते हैं, जो weather होता है वो most of the time एक जैसा ही होता है, same होता है. In India, the variations in temperature, rainfall and direction of monsoon winds result in three main seasons. अब seasons किस पर depend करते हैं? Temperature पे, rainfall पे और direction of monsoon winds. हमारे India में इन चीज़ों के effect से ही seasons कितने तरह के हम enjoy करते हैं? Summer, winter and monsoons. Some areas experience the seasons of spring and autumn as well. और कुछ एरिया समर विंटर और मानसून तो एक्सपीरियंस करते ही हैं, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे स्प्रिंग और ऑटम सीजन भी आते हैं. लेट्स रीड अबाउट द समर सीजन नाउ. ओके, समर इज द सीजन ऑफ हॉट वेदर. कैसा वेदर होता है समर सीजन में? गर्म होता है, हॉट होता है. In India, it begins from middle of March. अब देखिए summer season कब से start होता है India में? It begins from middle of March till the end of June. June के end तक ये experience करते हैं summer season. From March onwards, the rays of the sun begin to fall on the Indian subcontinent directly. और March से ही क्या होता है? जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली इंडियन सीधी पड़ती हैं बिल्कुल इंडियन कॉन्टिनेंट पे. द मंथ्स ऑफ मई एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर. अब पूरे साल में जो सबसे गर्म महीने होते हैं वो होते हैं मई और जून इंडिया में. द डेज बिकम लॉन्गर एंड द नाइट्स शॉर्टर. दिन लंबे हो जाते हैं और रात छोटी हो जाती है. द टेम्परेचर राइजेस स्लोली एंड कॉन्टिन्यूसली. By June, the extreme heat makes it difficult for the people living in plains to move out of their homes. और June आते आते extreme, बिल्कुल heat extreme पे पहुँच जाता है. लोगों को बहुत difficulty होती है, जो plains में रहने वाले लोग हैं उनको बहुत difficulty होती है अपने घरों से बाहर निकलने में. Hot winds called loo blow during the day. और इस time पे क्या चलती है? Loo चलती है, गर्म हवा. Dust storms are very common in desert regions. और desert regions जो हैं, जो रेगिस्तान हैं, वहाँ पे dust storm आते हैं. See, storm in the desert regions. क्योंकि चारों तरफ रेत ही रेत है, तो वहाँ पे just it blows like this. Sometimes northern plains experience strong winds and hail storms. When dry and moist air comes in contact with each other. अब कभी कभी क्या होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करती हैं और हेल स्टॉर्म भी आता है, ओले गिरते हैं. अब ये कब होता है? जब ड्राई एंड मॉइस्ट एयर कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. जब ड्राई रूखी हवा और ह्यूमिड जो ह्यूमिडिटी वाली हवा है, मॉइस्ट एयर जो है, ये दोनों आपस में मिलते हैं. दिस ब्रिंग्स सम रिलीफ फ्रॉम द हीट. अब इससे क्या होता है, गर्मी में थोड़ी सी राहत मिलती है. इन द कोस्टल प्लेन्स द वेदर इज नॉट वेरी हॉट बिकॉज ऑफ द कूल सी ब्रीज ब्लोइंग इन दैट एरिया. अब कोस्टल प्लेन्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे कूल सी ब्रीज ब्लो करता है. ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई इन दिस एरिया बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर इन द एटमोसफेयर.
कोस्टल प्लेन्स में ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि किस वजह से होती है, क्योंकि मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में. द वेदर इज कूल इन हिली रीजन्स, और जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे जो वेदर है वो ठंडा रहता है. बिकॉज द टेम्परेचर फॉल्स विद द इंक्रीज इन हाइट अबव द सी लेवल. जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है टेम्परेचर डाउन होता जाता है. मेनी पीपल फ्रॉम प्लेन्स गो टू द हिली एरियाज लाइक मसूरी, नैनीताल, शिमला एक्सेट्रा. और गर्मियों में लोग हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं, जैसे मसूरी, नैनीताल, शिमला. द किंग ऑफ फ्रूट्स मैंगो इज अ स्पेशल ट्रीट ऑफ दिस सीजन. अब इस सीजन में जो फलों का राजा है मैंगो, वो एक बहुत स्पेशल फ्रूट बन जाता है इस सीजन का. सी, दिस इज शिमला, द हिल स्टेशन. नाउ चिल्ड्रन, वी कम टू मॉनसून सीजन. अभी हमने समर सीजन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मॉनसून सीजन. वी फील अ सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन इट रेन्स आफ्टर द हॉट समर डेज. जब बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिनों के बाद बारिश आती है तो एक रिलीफ मिलता है लोगों को. Towards the end of the summer season, the humidity in the air starts increasing. जैसे ही समर सीजन गर्मियों के दिन एंड होने लगते हैं तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है. This leads to the onset of rainy or monsoon season. इसके बाद आता है रेनी या मानसून सीजन. It starts in June and continues till the end of September. जून से स्टार्ट होके ह्यूमिडिटी बढ़नी शुरू हो जाती है और सितंबर के एंड तक ये चलता है, जबकि मानसून रेनी और मानसून सीजन आता है. द विंड्स ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल एंड कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर. द मानसून विंड्स रीच द मालाबार कोस्ट इन जून. और ये जो मानसून विंड्स हैं ये मालाबार कोस्ट में जून तक पहुंचती हैं. बाय द मिडल ऑफ जुलाई द मानसून रीचेस ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ आर कंट्री. और जुलाई मिड तक ये जो मानसून है ये ज़्यादातर कंट्री के, हमारे कंट्री के, इंडिया के सभी पार्ट्स में पहुंच जाता है. नाउ इंटरप्रिटेशन, द टर्म मॉनसून वॉज कॉइंड बाय द फेमस इन्वेंटर अल मसूद. ये मॉनसून किसने कॉइन किया था, ये वर्ड किस कौन लाया था, इन्वेंटर कौन था इसका, अल मसूद. इट्स मीनिंग इज सेकेंड विंड्स. इसका मतलब क्या होता है, सेकेंड विंड्स. Now, the distribution of rain across different parts of the country is uneven. अलग अलग parts में country के ये जो distribution, rain का जो distribution है ये uneven है, equal नहीं है. Many parts of India, especially the western coast and the eastern and northern, northeastern states, receive heavy rainfall. यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा rainfall होती है. The southeastern coastal states such as Tamil Nadu, Karnataka and Kerala receive rainfall between the months of November and January. Okay? Farmers eagerly wait for the rains as their crops depend on rain. क्योंकि उनके crops जो हैं वो बारिश पे depend करते हैं. In some parts of the country, heavy rainfall causes floods. और कंट्री के कुछ पार्ट्स में जब बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत रेनफॉल होता है तो वहाँ पे फ्लड्स भी आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है. सम प्लेसेस रिसीव लिटिल रेनफॉल, और कहीं कहीं बहुत कम रेनफॉल होता है. दिस लीड्स टू ड्रॉट, और इस कम रेनफॉल के होने से वहाँ सूखा भी पड़ जाता है किसी जगह पे. राजस्थान एंड गुजरात गेट लिटिल रेनफॉल. नाउ सी, मॉनसून फ्लडिंग इन सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया. सदर्न और वेस्टर्न इंडिया में मॉनसून के कारण बाढ़ कैसे आती. ओके, नाउ लेट्स रीड अबाउट द विंटर सीजन. विंटर इज द सीजन ऑफ कोल्ड वेदर. विंटर सीजन में वेदर कैसा होता है, ठंडा होता है. इन इंडिया इट बिगिंस इन मिड नवंबर एंड कंटिन्यूज टिल फेब्रुअरी. इंडिया में ये कब स्टार्ट होता है विंटर सीजन, मिड नवंबर में, और कब तक चलता है, फेब्रुअरी तक. द डेज आर शॉर्ट व्हाइल द नाइट्स आर लॉन्गर. अब विंटर्स में क्या हो जाते हैं, दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं. दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में दिसंबर और जनवरी का जो महीने हैं ये सबसे ठंडे मंथ्स होते हैं.
States in the northern mountains get snowfall and northern plains experience low temperatures. अब जो states northern mountains में हैं वहाँ पे snowfall होती है और जो northern plains हैं वो ठंडा हो जाता है, वहाँ temperature down हो जाता है. Strong winds from the west, known as the western disturbances, causes rainfall in the plains and snowfall in the mountains. See, this is snowfall in Manali. Okay, Manali is a hill station. The weather is pleasant in South India and the coastal plains. Or South India coastal plains mein weather jo hai wo bahut suhavna ho jata hai, pleasant ho jata hai. Now spot inspect. Few questions. What does climate tell us? Climate kya batata hai hamein? Climate gives information of a typical weather pattern of a region. Who coined the term monsoon? Monsoon term किसने coin किया था? Al Masood. किसने किया था? Al Masood. Okay. Why did farmers eagerly wait for the rains? Farmers rains की बारिश की क्यों इंतजार करते हैं? Because the crop depends on rain. Okay, children. Write the things that depend on the climate. Climate पे क्या क्या चीजें depend करती हैं? Agriculture is the main thing which depends on climate. Then clothing also depends on climate. Okay. Then the building resources also depends on climate. Okay. There are many more things. When does summer season begin in India? India mein summer season kab start hota hai? Mid-March, starts from mid-March and lasts till June. Fine? Now comes the autumn and spring season. Autumn comes just after the rainy season, before the onset of winter season. अब देखिए ये ऑटम्न कब आता है, जब रेनी सीजन एंड होने वाला था, विंटर सीजन स्टार्ट होने से पहले आता है ऑटम्न. इट इज द टाइम व्हेन लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज. आपने देखा होगा सारे ट्रीज के सभी लीव्स वो गिर जाते हैं, सूखे पत्ते गिर जाते हैं. द वेदर ग्रेजुअली स्टार्ट्स चेंजिंग फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, और गर्मी से ठंड की तरफ वेदर चेंज होने लगता है. क्रॉप्स राइप इन दिस सीजन make farmers happy. और इस सीजन में जो क्रॉप्स पक जाते हैं, राइप हो जाते हैं, राइपन हो जाते हैं, उसको देख के फार्मर्स बहुत खुश होते हैं. सी दिस इज द ऑटम सीजन, ऑल द लीव्स दे शेड डाउन. ओके. द स्प्रिंग सीजन कम्स आफ्टर विंटर इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल. और ये स्प्रिंग सीजन कब आता है? जब विंटर का एंड हो जाता है. मार्च एंड अप्रैल में ये स्प्रिंग सीजन आता है. Just before the onset of summer, गर्मियाँ शुरू होने से just पहले. During this season, plants and trees bear new leaves and flowers bloom. और इस time पे season में, spring season में क्या होता है, जो trees जिसने अपना leaves जो shed कर देते हैं, वहाँ पे नए पत्ते आते हैं और नए नए flowers भी, बहुत तरह तरह के flowers खिल जाते हैं. See the tulip garden in Srinagar during spring season. Spring season में इस तरह से चारों तरफ flowers ही flowers bloom करते हैं. Now the catalogue here. Atmosphere. What is the atmosphere? The air around the earth. Breeze. A light, slow, pleasant wind. Dust storms. A storm that carries clouds of dust in wind over a wide area. Humidity. Moisture content per unit volume of air. Moisture, very small drops of water that are present in the air. वो होता है moisture. And loo, hot and dry summer wind are known as loo. Now a look over what we have read here in this chapter. Weather is the day-to-day change in the atmosphere around us. हमारे atmosphere में day-to-day जो change होता है उसे कहते हैं weather. Climate tells us about the regular pattern of weather conditions of a particular place.
द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर, किसी की भी जगह का जो क्लाइमेट है वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. देयर आर थ्री मेन सीजन्स इन इंडिया, समर, मॉनसून एंड विंटर. फाइन, नाउ द एस्टिमेशन कॉर्नर. We have to do some exercises what we have read in the chapter. Let's see how much we know about it. Choose the correct option. Hot winds called loo blows in summer, winter, monsoon, autumn. Kaun sa season mein loo blow karti hai? It blows in summer season. So we take the option A, summer. The climate of a place depends on its distance from the sea, soil, trees, food. किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होता है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी. न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स ब्लूम इन, कौन से सीजन में नए लीव्स और फ्लावर्स ब्लूम करते हैं? स्प्रिंग, ऑटम, मॉनसून, विंटर, इन स्प्रिंग सीजन. राजस्थान एंड गुजरात जनरली रिसीव हैवी रेनफॉल, लिटिल रेनफॉल, नो रेनफॉल, नन ऑफ दीज. Rajasthan and Gujarat, they receive little rainfall. Now we come to the fill in the blanks. India has the dash monsoon climate. India ka kaisa climate hai? Tropical monsoon climate. It has tropical monsoon climate. Next is the winter season begins in dash and continues till dash. The winter season begins in November and continues till February. Okay? Hot and dry winds that blows across the northern plains during summer is called loo. Rajasthan and Gujarat receive little rainfall, often leading to a dash. राजस्थान और गुजरात में बहुत कम रेनफॉल होती है, जिससे कि क्या आता है वहाँ पे, क्या पड़ता है? सूखा पड़ता है, ड्रॉट, DROUGHT, ड्रॉट. डैश इज वेरी हाई इन द कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरियाज में क्या बहुत ज़्यादा होता है? ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई इन कोस्टल एरियाज. फाइन चिल्ड्रन, नाउ स्टेट whether the following statements are true or false. Climate is the other name for weather. No, false. Because climate and weather are two different things. May and June are the hottest months. Yes, this is true. Flowers bloom during the autumn season. Autumn season mein flowers khilte hain? No. This is false. Mango is a special treat of the monsoon season. No, this is also false. It is a special treat of summer season. The days are long and the nights are short in summer season. Yes, this is true. Okay? Now, name the following. अब हमें इनके नाम बताने हैं. यहाँ कुछ क्लूज दिए गए हैं. दीज विंड्स रीच द मालाबार कोस्ट इन जून. वो कौन से विंड्स हैं जो मालाबार कोस्ट पहुंचते हैं जून में? दे आर साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स. कौन से विंड्स हैं? साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स. सो वी राइट डाउन हियर, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स. Fine. It is hot and dry summer wind. That is loo. And this season comes just after the rainy season. कौन सा season आता है rainy season के एकदम बाद? That is autumn. Autumn. Okay. Answer the following questions. अब हम करेंगे कुछ question answers. Write all the factors affecting the climate of India. कौन कौन से factors हैं जो कि India के climate को affect करते हैं? They are the latitude, then altitude,
pattern of wind, pattern of wind, then distance from sea, distance from sea, ocean current, and what else? Monsoon winds, monsoon winds. Okay children, differentiate between climate and weather. अभी हमने चैप्टर में पढ़ा क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है. रीड दैट अगेन एंड राइट द डिफरेंस. राइट सम फीचर्स ऑफ समर सीजन. समर सीजन कब स्टार्ट होता है, व्हेन डज द समर सीजन स्टार्ट. समर सीजन में दिन कैसे होते हैं, रातें कैसी होती हैं. व्हाट इज द क्लाइमेट ड्यूरिंग दिस सीजन. दैट ऑल यू हैव टू राइट इन दिस. एक्सप्लेन ब्रीफली द मॉनसून सीजन. अगेन मॉनसून सीजन के बारे में ही वैसे लिखना है. Do you know, sorry, repeating, what do you know about autumn and spring seasons? तो इसमें भी autumn season के बारे में भी लिखना है और spring season के बारे में भी लिखना है. So all the seasons we have read just now in the chapter, go through the chapter again and write all these answers. Fine children? So wasn't it an interesting one, knowing about the climate of our country? Yes, so thanks for watching this video and I'll come back with some more interesting videos. Till then, keep learning and stay happy. Bye.